लेकिन हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में हमारा एक इस तरह का सिस्टम बन चुका हुआ है कि जहाँ पर आप फिज़िकल हेल्थ को तो इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन आप मेंटल हेल्थ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस ना देना भी एक बहुत से जो हमारे नफसियाती मसाइल हैं उनको रेज़ कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है। कि जिस तरह के देखें कि हमारे यहाँ सबसे पहले अगर घरों में हम देखें तो हमारा एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों के लिए। जब बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे सोशलाइजेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, जिस तरह फैमिली होती है, मतलब एक ख़ानदान होता है, घर होता है, मस्जिद होती है और बच्चों का एक सोशल सर्कल जो पीयर ग्रुप होता है। तो ये जो होता है बच्चों की नशोनुमा में और उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में और उनकी जो होती है ना साइकोलॉजिकल या मेंटल मेच्योरिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और जब यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं और जिनकी वजह से बहुत सारे नफसियाती मसाइल जन्म ले सकते हैं और जिनको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लाइक इनके तदारक के लिए कुछ नहीं किया जाता, जिससे वालदेन और बच्चों के दरमियान बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। वालदेन जो होते हैं वो बच्चों की उनकी नीड्स को उनकी स्पेशली उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को नहीं समझते और जब उनके साइकोलॉजिकल नीड्स को समझा नहीं जाता, उनको पूरा नहीं किया जाता, तो बच्चों में बहुत से पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स पैदा हो सकते हैं, जिससे उनमें एग्रेशन आ जाता है, उनमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी अलामत पैदा हो जाती हैं। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं और उनमें मतलब एक लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, लाइक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, तो बच्चे जो हैं अब बहुत सारे नफसियाती मसाइल की तरफ जाते हैं और फिर वो क्राइम्स की तरफ भी जा सकते हैं। लाइक कि अगर उनके पीयर प्रेशर में ऐसे बच्चे हैं कि जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, बच्चे घर में वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनका इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता, तो मे भी वो बच्चे पीयर प्रेशर में आके ड्रग्स का शिकार हो जाएं। और देखें कि ड्रग का ये एक पूरा रास्ता होता है, ड्रग की तरफ बच्चे कैसे आते हैं और आगे से कैसे नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं। जब घर से बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, उसकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा नहीं किया जाता और वो ऐसे पीयर प्रेशर में आ जाता है कि जहाँ पर ड्रग्स को यूज़ किया जाता है और फिर वो अपनी ड्रग की नीड को पूरा करने के लिए बहुत से शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करता है, वो बहुत सारे ऐसे मतलब मसाइल की तरफ चला जाता है जिस तरह वो शॉर्टकट ढूँढेगा। हो सकता है कि वो चोरी कर ले, वो इस तरह की कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में पड़ जाए अपने उन जो नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से नफसियाती मसाइल हैं, बहुत से माशरती मसाइल हैं, बहुत से सोशल डिसऑर्डर्स हैं कि जो क्राइम्स को जन्म देते हैं। तो हमारे यहाँ नफसियाती बीमारियों को और नफसियाती सेहत पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें हमारे पास ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए जिनमें बच्चों की रहनमाई हो सके, वालदेन की रहनमाई हो सके कि वो ताकि मुख्तलिफ तरह की नफसियाती मसाइल से बच सकें और एक अच्छे और सिविलाइज्ड शहरी बन सकें और हमारी वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। मसाइल से अपने बच्चों को बचाने के लिए, इसका तदारक करने के लिए वालदेन को एक चीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब भी आप देखें कि बच्चे का रवैया जो है वो बदल रहा है, अचानक से होता है कि बच्चे के रवैये जब बदलने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घर में गुस्सा करेगा, तोड़ फोड़ करेगा या एग्रेसिव हो जाएगा या ज़िद्दी हो जाएगा, वो अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए ज़िद करेगा, या बच्चा अचानक से खामोश रहने लग जाएगा, आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। तो देखें ये जो सिम्टम्स होते हैं ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते कि जब बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, वो बातचीत नहीं करता या आप उसके बदलते चेहरे के तासुरात देखते हैं या अगर वो बात बात पे गुस्सा करता है, तो मैं वालदेन से कहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को हर किसी भी नॉर्मल ना लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं हो सकते। यही सिम्टम्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन सिम्टम्स में जब इंटेंसिटी आ जाती है तो बड़े ख़तरनाक किस्म के नफसियाती मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी वो अपने बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देखें, जिस तरह के लोनलीनेस का बच्चा शिकार हो गया है, हद से ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, या फिर वो बात बात पे लड़ता झगड़ता है अपने बहन भाइयों के साथ, देर से घर आता है या उसकी एक नॉर्मल रूटीन बदल रही है, तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि बच्चे के साथ आराम से आप बैठें, उससे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि वो इस तरह का उसका जो है रिएक्शन क्यों हो रहा है। क्योंकि जब बच्चे से बैठ के बात करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको बताए, लेकिन फिर भी दूसरा स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को ज़रूर किसी नफसियाती मौलिज के पास लेके जाएं, उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो उससे सेशन ले सके, बच्चे के मसाइल को जानने की कोशिश करे और वक्ती तौर पर जो है ना लाइक ऑन टाइम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके,
ताकि उसकी उसको जो है ना मज़ीद नफ्सियाती मसाइल से बचाया जा सके, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि अब बहुत सी थेरेपीज़ मौजूद हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिंस भी हैं। क्योंकि जब ये मसाइल बढ़ते हैं, ब्रेन में केमिकल चेंजेस आती हैं, और उन केमिकल चेंजेस को बैलेंस करने के लिए कि जहाँ पे काउंसलिंग थेरेपी ज़रूरत होती है, वहाँ पे मेडिसिंस भी ज़रूरत होती हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, मैं फिर ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि वालदैन को इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो ज़रूर अपने बच्चों को किसी मौलिज के पास लेके जाएं, और जो हदायत आपको मौलिज या साइकोलॉजिस्ट करता है या काउंसलिंग करता है, और उस पर अमल किया जाए, ताकि बच्चे की उसकी जो है पर्सनैलिटी में अच्छा और पॉजिटिव चेंज आ सके, और उन सिम्टम्स को स्टार्ट में ही कंट्रोल किया जा सके।